Hello students, good morning. In our previous lecture, we studied about the structure of ovule and various types of ovule. Today, we will start with a new topic, megasporogenesis. So, first question kya arise hota hai beta, ki megasporogenesis hai kya? Hota kya hai plant mein aur iska procedure kya hai? तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन इसकी. तो जैसे कि आपको नाम में ही पता चल रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगा वर्ड किसके लिए होता है बेटा? फीमेल के लिए. दैट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? मेगास्पोर की बात कर रहे हैं कि प्लांट में मेगास्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है. ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस किससे होगा बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस होता है एमएमसी के अंदर. एमएमसी मींस मेगास्पोर मदर सेल. एमएमसी क्या होती है बेटा? मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है और इससे आपके क्या बनने हैं बेटा? हैप्लोइड स्पोर्स बनने हैं, जिनको हम कहते हैं मेगास्पोर्स. क्या कहते हैं? मेगास्पोर्स. अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से हैप्लोइड स्पोर्स कैसे बन सकते हैं? बाय मियोसिस. इसका मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस. ये क्या कहलाती है बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है. तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल किसका काम करेगी बेटा? मियोसाइट सेल का काम करेगी. मियोसाइट सेल मीन्स द सेल इन विच मियोसिस अकर. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मियोसाइट सेल का काम कौन करता है बेटा? आपका एमएमसी करता है, मेगास्पोर मदर सेल करती है. तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं साइट एलोकेशन कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता कहाँ है. तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? ये ओव्यूल है हमारा और ओव्यूल में हम न्यू सेल्स पार्ट को दिखा रहे हैं. तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि मेगास्पोर मदर सेल कहाँ डिफ्रेंशिएट करती है बेटा? न्यू सेल्स के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. इसका मतलब आपका मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहाँ होगा बेटा? न्यू सेल्स में ही होगा. और न्यू सेल्स में कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. किस तरफ बेटा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. जबकि बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर्स मतलब मेल के स्पोर. उनकी फॉर्मेशन किससे हो रही थी बेटा? पोलन मदर सेल से, या जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह रहे थे. तो वहाँ पर पोलन मदर सेल ने मियोसाइट सेल का काम किया था, उसमें मियोसिस हुई थी. तो एक मियोसिस से हमें चार माइक्रोस्पोर्स मिले थे. सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक मियोसिस से चार मेगास्पोर्स मिलते हैं. ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर कैसे कैसे क्या क्या होता है. तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? जो न्यू सेल्स पार्ट होता है ओव्यूल का, उसके अंदर एक सिंगल आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट होती है. यह हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं. तो न्यू सेल्स के अंदर सिंगल आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट करेगी, वो भी कहाँ पे? माइक्रोपाइलर रीजन में. कहाँ पे करेगी बेटा? माइक्रोपाइलर रीजन में. फिर क्या होता है? आर्किस्पोरियल सेल या तो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी, या फिर बेटा क्या होता है, ये पेरिक्लिनल डिवीजन करती है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और जब ये पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी तो यहाँ पे हमारे पास दो लेयर्स आ जाएंगी. आउटर लेयर क्या कहलाती है? प्राइमरी पैराइटल सेल. और इनर सेल क्या कहलाएगी बेटा? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. फिर क्या होता है बेटा? प्राइमरी पैराइटल सेल फर्दर डिवाइड कर भी सकती है और नहीं भी. लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये फर्दर काम करेगी किसका बेटा? मेगास्पोर मदर सेल का. तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल
डिवीजन नहीं करती है और किस में डिफरेंशिएट कर जाती है, मैगास्पोर मदर सेल में। तो इस तरीके से न्यू सेल्स के माइक्रोपाइलर रीजन में आपकी सिंगल मैगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर्किस्पोरियल सेल बनी थी, तो एक ही आपके पास मैगास्पोर मदर सेल बनती है। उसके बाद मैगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी। बेटा मियोसिस दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है, एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट जिसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, और एक होता है मियोसिस सेकंड। दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है। होता क्या है, मियोसिस फर्स्ट दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, फिर सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और उसके बाद सेकंड साइटोकाइनेसिस होता है। तो जब आपकी मैगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, कौन सा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, तो एक सेल दो सेल में टूट जाएगी, क्योंकि मैगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है और मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे जो दो सेल्स बनेंगी उनकी प्लॉयडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज हैप्लॉयड हो जाएगी। तो ये जो दो सेल्स बनती हैं मियोसिस फर्स्ट से, इनको हम बोलेंगे बेटा मैगास्पोर्स का डायड। इसके बाद आपका मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें प्लॉयडी सेम रहती है, दैट मीन्स क्योंकि डायड के पास प्लॉयडी हैप्लॉयड, तो मैगास्पोर टेट्राड जो बनेंगे, क्योंकि दो सेल्स ने मियोसिस सेकंड किया तो चार सेल्स में टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे भी प्लॉयडी क्या रहेगी बेटा, हैप्लॉयड रहेगी। इन चार सेल्स के ग्रुप को हम बोलेंगे मैगास्पोर्स का टेट्राड। लेकिन यहाँ क्या होता है बेटा, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले जो तीन मैगास्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही मैगास्पोर फंक्शनल रहता है, जिसको हम फंक्शनल मैगास्पोर भी बोलते हैं। दैट मीन्स ए सिंगल मैगास्पोर मॉडिफाइड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। तो इस डेवलपमेंट मेथड को हम कहते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था मैगास्पोरोजेनेसिस। अब हम इससे रिलेटेड दो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट मैगास्पोरोजेनेसिस फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा इनके डेफिनेशन। मैगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच मैगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म मैगास्पोर्स। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, मैगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोलन मदर सेल बाई मियोसिस, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये तो था बेटा फर्स्ट पॉइंट इसका डिफरेंस का। सेकंड पॉइंट आता है लोकेशन साइट की, होता का है। तो मैगास्पोरोजेनेसिस जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है, ये होता है बेटा न्यू सेल्स के माइक्रोपाइलर रीजन में। मैगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है, न्यू सेल्स के माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है। माइक्रोपाइलर रीजन में होता है क्योंकि एमएमसी वहीं पर डिफरेंशिएट होती है, जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है ना बेटा वो होता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम में, स्टैमेन के एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम पार्ट में आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, मैगास्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस से आपके चार हैप्लोइड मैगास्पोर्स बनते हैं। कितने हैप्लोइड मैगास्पोर्स बनते हैं, चार हैप्लोइड मैगास्पोर्स बनते हैं, जबकि यहाँ पर चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तीसरा डिफरेंस क्या आता है, मैगास्पोरोजेनेसिस में आपका फोर्थ डिफरेंस सॉरी मैगास्पोरोजेनेसिस में मियोसाइट सेल का काम कौन करती है, मैगास्पोर मदर सेल,
जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसाइट सेल का काम कौन करेगी बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। फिफ्थ डिफरेंस क्या होता है कि मैगास्पोरोजेनेसिस में जो चार मैगास्पोर्स बनते हैं उनमें से चलाजल एंड की तरफ वाले तीन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, जबकि एक ही मैगास्पोर फंक्शनल होता है जो चलाजल एंड की तरफ होता है। जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। इससे क्या होता है, जब आगे इसकी डेवलपमेंट होगी तो यहाँ तो एक मियोसिस से जो चार मेगास्पोर्स बने हैं क्योंकि उनमें से तीन डीजनरेट हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्योंकि चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल हैं तो एक मियोसिस से आपको चार मेल गैमेटोफाइट मिलते हैं। मेल गैमेटोफाइट को ही हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और आगे जा करके क्योंकि एक पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट होते हैं तो एट मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में एक सिंगल एग की प्रोडक्शन होती है और आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट भी एक ही है तो आपके पास एक मियोसिस से सिर्फ एक एग की प्रोडक्शन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या इंपॉर्टेंस है, एमएमसी जिसके अंदर मियोसिस हो रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। उसके अंदर मियोसिस होगा तो आपको चार मेगास्पोर्स मिलेंगे लेकिन चार में से तीन डीजनरेट हो जाते हैं और एक क्या होता है, फंक्शनल। और फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि जो एमएमसी मियोसिस कर रही है वो मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स बनाएगी जिनमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा और वो किस में मॉडिफाई हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये छोटा सा टॉपिक था। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है फंक्शनल मेगास्पोर से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।